सार्वीय सार्वभौम सनातन धर्म महासभा का एक बृहद कार्यक्रम ग्वालियर में 14 सितंबर की सुबह 9 बजे दादाजी धाम धर्मपुरी मंदिर में आयोजित होने जा रहा है। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपेश्वर महाराज वृंदावन से ग्वालियर पधार चुके हैं, जहां आज ग्वालियर में महासभा के कार्यकर्ताओं ने उनका माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में ग्वालियर सहित अन्य जिलों से भी पदाधिकारी कल ग्वालियर पधार रहे हैं। राष्ट्रीय समन्वयक ओमकार मिश्रा भी ग्वालियर पधार चुके हैं, उनका भी स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कल के कार्यक्रम की विधिवत जानकारी देने के लिए आज एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें सार्वभौम महासभा के सदस्यों ने कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए एक नई टीम का गठन भी कल किया जाएगा। इस समय RBS लाइव इंडिया पर आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं। गोपेश्वर महाराज का भव्य स्वागत सार्वभौम महासभा के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। पुष्प वर्षा की जा रही है। महिला सदस्यों ने भी गोपेश्वर महाराज को पुष्प अर्पित किए और एक मीटिंग कर कल के कार्यक्रम की सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी आगे देखिए। साथ में है अमर उपाध्याय जी। कल एक बड़ा कार्यक्रम ग्वालियर में होने जा रहा है, इसकी विस्तृत जानकारी उपाध्याय जी से हम लेते हैं। उपाध्याय जी बताएंगे क्या कार्यक्रम है, क्या तैयारी है। अभी हमारा एक संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और उसके अंतर्गत सार्वभौम सनातन महासभा है। उसका मेरे को श्री ओंकारनाथ मिश्रा साहब द्वारा आयोजक के लिए जिला प्रदेश के लिए नियुक्त किया गया है। उसके अंतर्गत हम लोग एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें विस्तृत रूप से चर्चा होगी कि हमको संगठन के लिए आगे किस प्रकार काम करना चाहिए और हमारे दादाजी धाम धर्मपुरी मंदिर में यह आयोजन होने जा रहा है। सबसे आप क्या अपील करना चाहते हैं? सबसे अपील करते हैं कि वो आए, संगठन से जुड़ें और हमारे संगठन द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, पुरुषार्थ में जो कार्य किए जा रहे हैं, उनको देखें और समझें और उसमें हमारा सहयोग करें। जी, आपका क्या नाम है और आप क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है ग्वालियर में? हमारा तो यही कहना है, पहली बार इतना भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है हमारी संस्था द्वारा, तो सब लोग इसको आकर के देखें, सुने और हम लोगों का सहयोग करें, मार्गदर्शन करें, उसको संस्था को आगे बढ़ाने में मदद करें, जैसे कि निस्वार्थ सेवा भाव से हम लोग आगे बढ़ के कार्य कर सकें। धन्यवाद है।